हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे जीन इंटरैक्शन के बारे में, राइट? जीन इंटरैक्शन में मेनली हम कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरैक्शन की बात करेंगे, डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन की बात करेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर यहाँ से अगर कोई दो नंबर में क्वेश्चन आता है तो सिंपली इनका रेशियो पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन का रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट का क्या होगा, राइट? लेकिन आपको रेशियो तो याद रखना ही है, बट उसके साथ साथ आपको इस कंसेप्ट को समझना है कि डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या है। एंड सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि वॉट इज जीन इंटरेक्शन, राइट? तो देखो, शुरुआत करते हैं मेंडल से, है ना? तो मेंडल का कंसेप्ट क्या था, अगर आपको याद हो, मेंडल का कंसेप्ट ये था कि हर एक जीन एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना? जैसे हमने, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि जैसे टी है, ओके, तो ये टॉल के लिए होगा, है ना? ये किसके लिए होगा? टॉल के लिए होगा। ये ड्वार्फ के लिए होगा। तो ये एक क्या है? ये एक जीन है। दिस इज जीन एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, दैट इज द हाइट। ये था मेंडल का कंसेप्ट कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा एक ट्रेट के लिए, ओके? बट जब जेनेटिक्स में और भी स्टडीज होने लगी, और भी बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया, तब बाद में ये डिस्कवर हुआ कि जीन्स आर नॉट सेपरेट एंटिटी। जीन्स इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जो जैसे कलर है, अगर मान लीजिए आपकी आंख का कलर, अगर हम आईज के कलर की बात करें, तो एक कोई जीन है वो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक जो जीन है वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक जीन है वो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक जीन इंडिपेंडेंटली कलर के लिए आपके आईज के कलर को इनकोड कर देगा। तो डिस्कवर ये हुआ कि जो जीन्स होते हैं, अलग अलग जो जीन्स होते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, जीन्स आर नॉट सेपरेट एंटिटी दैट प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट्स, राइट? मेंडल ने जीन इंटरेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं करी थी, उन्होंने एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में बात करी थी। तो आपको जीन इंटरेक्शन और एलिलिक इंटरेक्शन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके? तो जीन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस नोवल फिनोटाइप। मान लीजिए कि एक जीन ये है, ए जीन, जीन ए, ओके, ये रिस्पॉन्सिबल है फिनोटाइप ए के लिए, ओके, और एक अलग जीन है, दैट इज जीन बी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप बी, ओके। लेकिन जैसे कि हमने बोला कि जीन्स आर नॉट सेपरेट एंटिटी, ये इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते, ओके? जीन्स दो या तीन, तीन से ज्यादा भी जीन्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट? और जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो एक नोबल फिनोटाइप को एनकोड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जीन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फिनोटाइप ए के लिए। जीन बी है रिस्पॉन्सिबल फिनोटाइप बी के लिए। लेकिन जब जीन ए और जीन बी आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो ये एक नोवेल फिनोटाइप देंगे, एंड दैट वुड बी सी, फिनोटाइप सी। तो आप यहां पर देख सकते हो कि व्हेन टू जीन इंटरैक्ट्स विद ईच अदर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोवेल फिनोटाइप। तो ये है जीन इंटरैक्शन, ओके? इसके बाद यहां पर देखो कि फिनोटाइप दैट बी ऑब्जर्व, इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने डिस्कस किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनोटाइप हम देखते हैं, जैसे कि आप प्लांट्स की अगर बात करो, तो जो फिनोटाइप आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्लावर का कलर आप ऑब्जर्व करते हो, फ्लावर रेड कलर का है कि व्हाइट कलर का है, या पर्पल कलर का है, या ब्लू कलर का है, सो द फिनोटाइप दैट वी ऑब्जर्व इज नॉट प्रेजेंट इन जीन्स। जीन में फिनोटाइप प्रेजेंट नहीं होता, ओके, राइट? जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप, बट फिनोटाइप इज नॉट प्रेजेंट इन जीन। क्यों? इसको समझो, हम क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ जीन,
प्रोटीन इज द फाइनल एंड अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ जीन। जीन कहाँ होता है? डीएनए पर, है ना। तो डीएनए से पहले क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का, मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है, और उस एमआरएनए का फिर ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन की वजह से कलर आता है या फिनोटाइप आता है। सो व्हाट वी कैन से दैट फिनोटाइप इज नॉट प्रेजेंट इन जीन बट अराइज फ्रॉम ए कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट प्रोसेस। इस लाइन को ध्यान से समझो। जैसे कि हमने बोला कि फिनोटाइप नहीं प्रेजेंट होता जीन में, बट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप। कैसे? तो आप देखते हो कि आपका जीन कहाँ प्रेजेंट है। मान लीजिए ये आपका एक डीएनए है ना। अगर आपने शुरुआत की क्लासेस अटेंड की थी, शुरुआत के लेक्चर्स देखे थे जेनेटिक्स के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। मान लीजिए ये आपका क्या है, दिस इज द डीएनए, है ना, और यहां पर आपका कोई ये जीन प्रेजेंट है इस डीएनए पर। ये एक जीन है। क्यों? जीन क्या होता है? जीन इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, तो क्या डायरेक्टली ये जीन किसी फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर सकता है? कभी भी नहीं। तो पहले क्या होगा? पहले इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा आपका एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए, राइट। तो ये क्या हो गया आपका एमआरएनए। अब क्या ये एमआरएनए फेनोटाइप दे सकता है? अगर आप कलर की बात करें फ्लावर की, तो क्या एमआरएनए फ्लावर के कलर को रिप्रेजेंट करता है या फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर विल बी नो। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? तो क्या होगा, इस एमआरएनए से का होगा ट्रांसलेशन। ओके, और ट्रांसलेशन होने के बाद आपको फाइनली मिलेगा एक प्रोटीन। ये क्या है आपका? प्रोटीन। एंड दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप दैट वी ऑब्जर्व। समझ रहे हो चीज को? तो अब आपको पता है कि जो सेल के अंदर कितने सारे रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तब जाकर कोई सेल एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी की बात करो, तो आपकी बॉडी में मसल सेल्स भी हैं, न्यूरॉन सेल्स भी हैं, है ना, उसके बाद स्केलेटल मसल सेल्स हो गई, फिर आपकी ब्रेन सेल्स में न्यूरॉन सेल्स हो गई, फिर लिवर्स में हिपेटोसाइट्स हो गई, है ना। तो अलग अलग टाइप की सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो वो अलग अलग टाइप की सेल्स कैसे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। और प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं जीन से, राइट। और ये प्रोटीन्स जो हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं, एक प्रोटीन दूसरे के साथ, दूसरा प्रोटीन तीसरे के साथ, है ना। तो बहुत सारे प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तब जाकर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो पाती है, और जब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो पाती है, तब जाकर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेट हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम बिल्कुल साइंटिफिकली अगर बोलना चाहें, तो एक्चुअली में जीन्स तो आपस में इंटरैक्ट करती ही नहीं है। तो इंटरैक्ट कौन करता है? प्रोटीन्स करते हैं। लेकिन प्रोटीन्स किसके रिजल्ट हैं? जीन के। इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं जीन इंटरेक्शन। तो होता क्या है, दो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और फिर उनके प्रोटीन्स इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके आपको कोई नोवल फिनोटाइप मिलता है, राइट। तो याद रखना कभी भी कि एक जीन इंडिपेंडेंटली किसी ट्रेट के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सेल के अंदर अलग अलग जीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओके, और एक नोबल फेनोटाइप आपको देते हैं। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि नो जीन कैन इंडिविजुअली क्रिएट स्पेसिफिक ऑर्गन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म ट्रेट। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, राइट।
तो अभी जो लास्ट लाइन है यहाँ पे आप पूरा समराइज कर सकते हैं कि डेवलपमेंट अकर्स थ्रू ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिएक्शंस एंड इंटरैक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स, है ना, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो जीन इंटरेक्शन है वो आपका मेनली दो टाइप का होता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, जीन इंटरेक्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, कौन कौन सी, इंटराजेनिक जीन इंटरेक्शन और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इसको ध्यान से समझो, तो पहला है इंटराजेनिक जीन इंटरेक्शन। क्या है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन? ओके, यहां पर देखो ध्यान से, इंट्रा का मतलब क्या होता है, खुद में, है ना। जैसे आप देखते होगा ना कि इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, इंट्रा यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, तो इंट्रा यूनिवर्सिटी या इंट्रा कॉलेज फंक्शन। इंट्रा का मतलब कॉलेज के अंदर ही, इंटर मतलब दो अलग अलग कॉलेज के बीच में, ऐसे करके आपने नाम सुना होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन। इंट्राजेनिक मतलब जीन्स खुद, मतलब एक ही जीन में जो दो अलग अलग एलील्स होते हैं, है ना। आपने पढ़ा था मेंडल की, जब हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे आपने देखा था ना कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये एक हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। और जहां पर कैपिटल टी प्रेजेंट होता है वो आपका क्या कैरेक्टर देता है, टॉल, ओके। लेकिन यहां पर ये एक अलील है और ये दूसरा अलील है, राइट। वैसे ही ये और ये, तो यहां पर मेंडल की कंसेप्ट में दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओके, और एक फिनोटाइप देखने को मिलता है। तो जब दो अलील्स, एक ही जीन के दोनों अलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसको आप बोलते हो इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था मेंडल के लॉज, जब हमने डिस्कस किए थे तो वहां पर हमने पढ़ा था दो लॉज पढ़े थे, कौन कौन से, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके, और एक पढ़ा था हमने को डोमिनेंस, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। तो याद करने की कोशिश करो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या डिस्कस किया था, यहां पर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने बात की थी कि दो एलील्स इनकम्प्लीटली डोमिनेट होते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं होता। और इसका एग्जांपल हमने लिया था रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का एग्जांपल लिया था हमने, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ओके। तो जब इन दोनों को हमने क्रॉस कराया था तो इससे जो गैमेट्स बने थे कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये गैमेट्स हैं। और जब इन दोनों के क्रॉस होने के बाद जो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग मिला था वहां पर जीनोटाइप ये था कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। तो ये जो ऑफस्प्रिंग मिला इसका फिनोटाइप क्या था, इसका फिनोटाइप ना तो रेड था ना वाइट था, इसका था पिंक, समझ रहे हो। तो ना तो ये वाला पेरेंट कंप्लीटली डोमिनेंट था ना तो ये वाला पेरेंट कंप्लीटली डोमिनेंट था, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर देखो एक ही जीन के दो नौ अलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक नोवल फिनोटाइप दे रहे हैं पिंक, जो कि दोनों में से किसी भी पेरेंट के पास नहीं है, राइट। इसके बाद हमने ये तो डिस्कस कर लिया, इसके बाद हमने डिस्कस किया को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही, एक जीन के दोनों ही अलील्स डोमिनेटिंग होते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। और इसका एग्जांपल हमने लिया था ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस, है ना। तो आप देखते हो किसी किसी का ब्लड ग्रुप कैसा होता है, ए बी होता है ना। तो इनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप ऐसा होगा, ठीक है। तो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए होगा और एक का बी होगा, है ना। यहां पर आप देख सकते हो, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आप वहां पर जाकर अच्छे से देख लेना
तो ये जो गैमेट बनाएगा, ये बनाएगा ऐसा, और यहां से जो गैमेट बनेगा वो बनेगा ऐसा। और जब ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो आएगा उसका फिनोटाइप कैसा होगा, आई ए आई बी, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। तो यहां पर देखो दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इस ऑफस्प्रिंग में है, ए बी है और बी बी है, इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। तो यहां पर भी दोनों ही अलील्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं लेकिन विद इन द सेम जीन। तो ये हो गया आपका इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है इंटरजेनिक इंटरैक्शन। इंटरजेनिक, ध्यान से समझो, इंटरजेनिक का मतलब क्या होगा, दो अलग अलग जीन्स के बीच में। ओके, हम डिस्कस करेंगे अब इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। तो इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन का मतलब दो अलग अलग जीन्स के अलील्स के बीच में जब इंटरैक्शन होता है। ओके, जैसे मान लो कि आप एक जीन ये है और एक जीन ये है, दिस इज जीन वन एंड दिस इज जीन टू। ओके, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अलील्स, ये एक अलील दूसरा अलील ये है ना, और ये जीन टू का अलील है, राइट तो यहां पर इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन में क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है नॉन अलील्स के बीच में, मतलब अलील्स बिटवीन, इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन, है ना, दो अलग अलग जीन्स के अलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो इसको आप नॉन अलीलिक इंटरेक्शन बोलते हो। ओके, और मेंडल के कंसेप्ट में क्या हो रहा था, अलीलिक इंटरेक्शन हो रहा था, राइट। तो अब देखो यहां पर हम इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब दो जीन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो याद करो जब हमने डिस्कस किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस याद है, डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड करके क्रॉस कराते हैं, जैसे हमने फ्लावर के केस में कराया था, सीड का शेप और सीड के कलर को एक साथ लेके क्रॉस कराया था, तो उसको हमने बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो याद करो वहां पर आपका रेशियो कैसा आया था, 9:3:3:1। तो ये मेंडल का रेशियो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, राइट। और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कब आता है, जब दो अलग अलग जीन के अलील्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, जब एक ही जीन के दो अलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये रेशियो कहाँ देखा था, मेंडल के कॉन्सेप्ट में, और मेंडल ने अलग अलग जीन के इंटरेक्शन के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने अलीलिक इंटरेक्शन के बारे में बताया था। तो ये रेशियो किसका आता है, ये रेशियो आता है अलीलिक इंटरेक्शन के बारे में, है ना। तो इसको ध्यान से समझ लो ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर आप देखो आपको कुछ इस तरीके से जीनोटाइप्स मिलते हैं जब आप डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हो। देखो इस तरीके से आप जीनोटाइप्स लिख सकते हो, आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया था, ठीक है, यहां पर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो ए मान लो आपका येलो कलर है और ये है आपका वाइट कलर, स्मॉल ए, कैपिटल बी आपके सीड का राउंड शेप है और स्मॉल बी है रिंकल्ड शेप,
ठीक है। तो यहां पर देखो येलो और राउंड आएगा, येलो राउंड, यहां पर वाइट राउंड, यहां पर येलो राउंड, यहां पर येलो राउंड, यहां पर वाइट और राउंड, यहां पर वाइट सॉरी यहां पर येलो और रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, और यहां पर वाइट रिंकल्ड, है ना। तो इसका रेशियो कैसा था, 1:1:2:4:2:1:2:1। ओके, तो जो येलो राउंड है यहां पर देखो, येलो राउंड, ये येलो राउंड, येलो राउंड और ये, तो ये कितने हो गए येलो राउंड आपके, येलो राउंड हो गए आपके 9, 2 और 1 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, ठीक है। इसके बाद आप देखो रिंकल्ड और राउंड, सॉरी व्हाइट और राउंड, तो ये आपको दिखेंगे 3, उसके बाद येलो और व्हाइट आपको दिखेंगे 3, और रिंकल्ड और व्हाइट आपको दिखेंगे 1। तो ये रेशियो आता है मेंडल के कंसेप्ट में जब एलिलिक इंटरेक्शन होता है, राइट। लेकिन जब दो जीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना कि ये रेशियो नहीं आएगा, ओके। तो वहां पर क्या होता है कि हाँ, जो जब दो जीन्स इंटरैक्ट करते हैं इन इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, ध्यान रखना कि ये जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 9:3:3:1:2 less number of phenotypes। अब देखो यहां पर इस कहने का मतलब यह है कि जब दो जीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो यहां पर आप देखो मेंडल के कंसेप्ट में चार तरीके के फिनोटाइप्स आपको नजर आ रहे थे। एक फिनोटाइप जो था उसमें 9 इंडिविजुअल थे, दूसरे फिनोटाइप में 3 इंडिविजुअल थे, तीसरे फिनोटाइप में 3 इंडिविजुअल थे और फोर्थ फिनोटाइप में 1 इंडिविजुअल थे। तो यहां पर आपको चार अलग अलग टाइप के फिनोटाइप नजर आएंगे। लेकिन जब दो जीन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब अलील्स दो अलग अलग जीन्स के अलील्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है उस केस में रिड्यूस हो जाएगा, चार से कम फिनोटाइप्स नजर आएंगे। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब हम डिस्कस करेंगे इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शन के कुछ एग्जांपल्स, ओके। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन के बारे में, राइट। तो सबसे पहला है यहां पर कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन। तो यहां पर ध्यान रखना क्या होता है कि दो अलग अलग जीन्स आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हो और आपका एक फ्रेंड है, ओके। तो ऐसा कोई एक काम है, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोई पेंटिंग है, ओके। उस पेंटिंग को ना तो आप अकेले ड्रॉ कर सकते हो ना आपका फ्रेंड अकेले ड्रॉ कर सकता है, लेकिन When you both come together, you can make that painting amazing, है ना। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को compliment करते हो, आप में से कोई एक अकेला उस painting को draw नहीं कर पाएगा। तो same यहाँ पर compliment gene interaction में होता है कि एक particular phenotype तभी observe होता है, तभी देखने को मिलता है, तब जो दोनों में से दोनों genes आपस में interact करते हैं, दोनों ही genes के dominant alleles present होने चाहिए। जैसे कि यहां पर देखो कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन में जो हम एग्जाम्पल लेंगे, इसका जो एग्जाम्पल है वो याद रखना, वो होता है स्वीट पी फ्लावर कलर, स्वीट पी फ्लावर कलर, ओके। तो यहां पर देखो ध्यान से कि
आप ड्रॉ करोगे, जब ये जीनोटाइप्स जब आप ड्रॉ करोगे तब आपको क्लियर होगा। ओके, तो इसको आप ड्रॉ कर लेना। तो यहां देखो हमने क्या बात की थी कि जब दो अलग अलग जीन्स के अलील्स, कम से कम एक अलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो कि यहां पर दोनों ही डोमिनेंट हैं, इस जीन के अलील्स और इसके भी दोनों डोमिनेंट हैं, तो ये बनाएंगे पर्पल कलर का फ्लावर। यहां पर देखो इसमें कम से कम एक तो डोमिनेंट है, यहां दोनों डोमिनेंट है, तो ये भी कैसा हो जाएगा पर्पल। यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे दोनों रिसेसिव हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये वाला तो दोनों डोमिनेंट है लेकिन यहां दोनों रिसेसिव हैं। तो मैंने क्या बोला था, कम से कम एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होना चाहिए तभी तो वो दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। यहां पर इसमें दोनों ही डोमिनेंट प्रेजेंट है लेकिन यहां पर एक, कोई नहीं हमारा काम चल जाएगा, तब भी ये पर्पल बना देगा। ओके, यहां पर देखो इसमें भी एक डोमिनेंट है, इसमें भी एक डोमिनेंट है, तो दोनों डोमिनेंट मिलके पर्पल बना सकते हैं पर्पल। इसमें दोनों ही रिसेसिव है, यहां पर भी डोमिनेंट नहीं है, यहां पर पे भी डोमिनेंट नहीं है, सो कॉम्प्लीमेंटेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व, है ना, क्योंकि एक कम से कम एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। अतः समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर भी दोनों रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, तो इसका कलर भी हो जाएगा व्हाइट। ओके, और यहां पर भी दोनों रिसेसिव हैं, यहां पर भी दोनों रिसेसिव हैं, तो ये भी व्हाइट बनाएंगे और ये भी व्हाइट बनाएंगे। तो इसका आप रेशियो निकालो, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। अब पर्पल काउंट करो और व्हाइट काउंट करो, पर्पल और व्हाइट का रेशियो क्या आएगा। तो यहां पर देखो, पर्पल हम एक कलर से शो करते हैं, ब्लू कलर से, ये दोनों पर्पल है, ये पर्पल है, ये पर्पल है, इतने ही है। तो 4 2 6 6 2 8 और प्लस 9 1 9, तो ये 9 हो गया। और बाकी कितने बचे, तो 16 में से 9 सब्सट्रैक्ट कर दो, 7। काउंट भी कर सकते हो, 1 और 2 3 4 6 7। तो कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन का रेशियो आता है 9:7। अब याद करो हमने क्या बोला था कि जब दो जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहां पर आपको दो ही कलर के फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, या तो पर्पल या तो व्हाइट, लेकिन मेंडल के कंसेप्ट में आपको 4 फिनोटाइप्स नजर आते थे। अब समझ आ रहा है, तो जब दो जीन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो विल बी रिड्यूस्ड, इट विल नॉट बी 9:3:3:1, राइट। तो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब क्या होता है कि कुछ जीन्स का जब इवोल्यूशन होता है ना, तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, राइट। तो इवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जीन्स का इवोल्यूशन भी होता है ना, वो उसको आप बोलते हो माइक्रो इवोल्यूशन, बहुत धीरे धीरे होता है। तो कुछ जीन का जब इवोल्यूशन होता है तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी भी बन जाती है। तो अब डुप्लीकेट कॉपी से आपको पता है क्या मतलब होता है, जैसे कि आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप क्या करते हैं उसकी फोटोकॉपी कराते हैं किसी को देने के लिए, तो जो कंटेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे होता है वही कंटेंट आपके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पे भी होता है, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही समझना है हमको। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जीन्स का जब इवोल्यूशन हुआ तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी दूसरे लोकस पर चली गई, ट्रांसफर हो गई, ओके। और फिर जब वो दोनों जीन जो कि एक ही फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। आपको समझ में आएगा अभी जब हम इसका जीनोटाइप लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है सीड शेप इन शिफार्ड स्पर्स। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है सीड का शेप, ओके, इन शिफार्ड स्पर्स। तो देखो यहां पर कि जीनोटाइप इसका आप ड्रॉ करो, जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको इस तरीके से
जीनोटाइप मिलते हैं, है ना। तो ये क्रॉस आप करा लेते हो, आपको आता है ये क्रॉस कराना, राइट। उसी तरीके से यहां पर ऐसे लिखना है, राइट ओके। तो हमने क्या बोला कि एक जीन की डुप्लीकेट कॉपी दूसरे लोकस पर होती है और दोनों आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो सेम फिनोटाइप को एक्सप्रेस करवाते हैं। तो यहां देखो, ये इसका रेशियो 1:1:2:4:2:1:2:1। तो यहां देखो कि अगर इन चारों अलील्स में से कोई एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा तो वो सेम फेनोटाइप को एनकोड करेगा। तो यहां पर देखो, यहां तो सारे ही डोमिनेंट हैं, तो ये देगा ट्रायंगुलर शेप, ओके। यहां पर देखो तीन डोमिनेंट अलील्स हैं, तो एक भी अगर होगा तो ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। यहां पर दो तो है ही, तो ये भी ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा, है ना। यहां पर ये दोनों डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो देखो डोमिनेंट के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे जिससे आपको क्लियर रहे कि वहां पर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, तो ये भी ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। यहां पर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो ये भी ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। यहां पर एक डोमिनेंट अलील है तो इसका भी ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। यहां पर दो डोमिनेंट अलील है तो ये भी ट्रायंगुलर हो जाएगा। यहां पर कम से कम एक तो है ही, तो ये भी ट्रायंगुलर हो जाएगा। अब यहां देखो, आपको एक भी डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप जो होगा वो होगा ओवल, समझ रहे हो। तो डुप्लीकेट जीन्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों जीन एक ही फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगे और दोनों जीन्स में से कोई अगर एक डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट है इंटरेक्शन के ड्यूरेशन में तो वो सेम फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहां पर देखो, इनको आप जब काउंट करोगे ये हो जाएंगे 15 और ये आपका हो गया 1। तो इसका रेशियो कैसा मिलेगा आपको, ट्रायंगुलर ओवल 15:1। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का रेशियो कितना आएगा, 15:1, ये आपको याद रखना है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस की, ओके। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, तो यहां पर देखो क्या होता है कि एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि जब एक जीन या वो अगर होमोजाइगस कंडीशन में हो, ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो, तो वो दूसरे जीन को की अफेक्ट को सप्रेस कर देता है, राइट। दूसरे जीन के अफेक्ट को सप्रेस कर देता है। तो अब यहां पर जो एपिस्टेसिस हम पढ़ रहे हैं, यहां पर जो हम एपिस्टेसिस पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले बात करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस की, ओके। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है कि दोनों जीन्स में से कोई एक जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है, मतलब उसका अलील किसी एक जीन के दोनों अलील्स डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो वो दूसरे जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर देते हैं, राइट। तो यहां पर जब इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम, इसका एग्जांपल हम लेते हैं फ्रूट कलरिंग समर स्क्वैश, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, ओके। तो हमने यहां पर क्या बोला कि दो जीन के बीच में इंटरेक्शन होगा और दोनों में से कोई भी एक जीन जब डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होगा, डोमिनेंट होमोजाइगस, तो दूसरे जीन की एक्टिविटी को, फंक्शन को सप्रेस कर देगा। तो यहां पर जब आप क्रॉस कराओगे, है ना, यहां पर जब आप क्रॉस कराओगे तो देखो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, फिर आप रिपीट करोगे इसको स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ओके। यहां पर दूसरा जीन जो है कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल, राइट। इसका रेशियो देखो आप 1:1:2:4:2
1 2 1 राइट। तो हमने क्या बोला कि जब एक जीन डोमिनेंट कंडीशन में होगा, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तो वो दूसरे जीन की फेनोटाइप को सप्रेस कर देगा। ओके, तो यहां पर देखो जो ए है, ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल कलर एंड बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। ओके, और ये जो ए है, ए जो है वो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ये हो जाएगा एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन मतलब ये सप्रेस करेगा अदर जीन, राइट। तो यहां देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये और ये कैपिटल ए कैपिटल ए, ये जो है ये डोमिनेंट जीन है, मतलब इसका जो अगर इस कैपिटल इस ए जीन का अगर कोई भी अलील, एक अलील भी अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो वो पर्पल कलर देगा, राइट। तो देखो यहां पर ये कैपिटल ए पर्पल है, यहां पर एक ए तो है ही कम से कम, तो ये भी पर्पल होगा, राइट। ओके, यहां पर देखो एक भी कैपिटल ए नहीं है और दोनों कैपिटल बी है, तो देखो जब जो एपिस्टेटिक जीन है उसके दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है तो ये अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाएंगे, और उस केस में ये जो बी वाला जो जीन है इसका जो फिनोटाइप है रेड, तो वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। वैसे यहां पर आप देखो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है एक, तो ये भी पर्पल हो जाएगा, यहां पर भी डोमिनेंट ए प्रेजेंट है तो ये भी पर्पल हो जाएगा, राइट। अब यहां पर दोनों में से कोई भी डोमिनेंट ए प्रेजेंट नहीं है, यहां पर कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आप पर रेड। ओके, यहां पर देखो दोनों जगह पर कैपिटल ए प्रेजेंट है तो ये भी हो जाएगा पर्पल, यहां पर भी ये पर्पल, क्योंकि यहां पर कम से कम एक कैपिटल ए तो प्रेजेंट है, लेकिन यहां देखो अब ना तो इसमें कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है ना यहां पर, तो ये आपका ना तो पर्पल होगा ना तो होगा रेड, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्हाइट। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर हम सबसे पहले पर्पल वाले को काउंट करते हैं कितने हैं, ये पर्पल है, पर्पल यहां पर पर्पल है और ये है, ओके राइट। अब इसको काउंट करो आप कि पर्पल कितने हैं, पर्पल है 2 और 1 3 5 9, 4 2 6 6 और 1 7 7 और 3, यहां पर कुछ गड़बड़ है, अच्छा हाँ, और ये भी तो पर्पल है हमारा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 9 12, ये हो जाएगा 12। ओके, फिर हम काउंट करते हैं रेड को और फिर व्हाइट को, तो देखो रेड वाले काउंट करो आप, रेड 1 और यहां पर, तो हो जाएंगे आपके 3, और अगर आप व्हाइट काउंट करोगे व्हाइट तो सिर्फ एक है यहां पर, तो इसका रेशियो क्या होगा, 12:3:1। तो याद रखना डोमिनेंट एपिस्टेसिस जीन इंटरेक्शन जब होता है तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसा मिलेगा, 12:3:1, राइट। तो इसके बाद अब हम चलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस के पास, रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो जैसा होमोजाइगस डोमिनेंट एपिस्टेसिस में होमोजाइगस जीन था, है ना, जब किसी एक जीन के दोनों एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तो वो जीन एपिस्टेटिक होगा दूसरे जीन पर। अब जब हम बात करते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस की, रिसेसिव एपिस्टेसिस की, तो यहां पर क्या है कि जब दो जीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओके, और दोनों जीन्स में से किसी एक जीन के दोनों अलील्स रिसेसिव कंडीशन में होंगे, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो रिसेसिव होमोजाइगस जीन दूसरे जीन के ऊपर एपिस्टेटिक होगा, ओके। और इसका जो एग्जांपल है वो है माउस कोट कलर, माउस
कोट कलर, है ना। अब जब आप क्रॉस करोगे तब आपको समझ में आएगा। क्रॉस कराओ यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ कैपिटल ए कैपिटल ए, ऐसा आएगा ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, उसके बाद कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब यहां देखो इसका रेशियो कर लेते हैं, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। देखो यहां पर जब दोनों ही जीन्स के कम से कम एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा तो वो देंगे कौन सा कलर, अगॉटी कलर, है ना। तो यहां देखो ये भी डोमिनेंट है, दोनों दोनों के दोनों दोनों ही जीन्स के दोनों अलील्स डोमिनेंट है, तो इसका आ जाएगा आपका अगॉटी, ओके राइट। वैसे ही यहां देखो इसका भी कैपिटल भी प्रेजेंट है तो ये इसका भी आ जाएगा अगॉटी, ओके। उसके बाद यहां देखो कैपिटल ए लेकिन यहां पर स्मॉल बी, तो इसका कलर अगॉटी नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका ब्लैक कलर। इसका यहां पर देखो डोमिनेंट यहां भी है, डोमिनेंट यहां भी है, तो ये हो जाएगा अगॉटी कलर, ओके। ये भी हो जाएगा अगॉटी, ओके। यहां देखो यहां इधर दोनों रिसेसिव हैं, राइट, ओके, और एक ही डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा ब्लैक कलर, राइट। इसके बाद अब हमने क्या बोला था कि अगर किसी एक जीन के दोनों अलील्स होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है तो वह दूसरे जीन के ऊपर अपिस्टेटिक होंगे, मतलब दूसरे जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे। तो देखो ये होमोजाइगस कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन, तो क्या होगा कि इन तीनों का ही फिनोटाइप हो जाएगा आपका एल्बिनो, ओके। तो इसको बोला जाता है रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन। अब इसका आप रेशियो निकालो, अगॉटी ब्लैक और एल्बिनो का, तो रेशियो क्या आएगा, अगॉटी के देखो आप कितने हैं, अगॉटी 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 1 2, ये नहीं है 2 4, तो ये हो जाएंगे 4 2 6 और 3 9, तो ये हो जाएंगे 9 रेशियो। ब्लैक कितने हैं यहां पर देखो, ब्लैक ये रहा तो इसका 1, ब्लैक ये रहा तो इसका 2, तो हो जाएगा 3, और अल्बिनो कितने हैं तो 4, तो इसका रेशियो हो जाएगा 9:3:4। तो ये रेशियो किसका, रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन का। तो आपको रेशियो भी सबके याद रखने हैं और इसके पीछे जो कंसेप्ट है कि ऐसा रेशियो क्यों आ रहा है वो भी आपको क्लियर रखना है, ओके। तो जीन इंटरेक्शन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमिनेंट डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।